तो भाई दो क्या हाल है आपके? सीन ही है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन नहीं बहुत यार, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, मतलब वही ना होने वाला है, व्लॉग नहीं आया। मगर क्यों? और व्लॉग इस तरह आया है मेरे दिमाग में, तो खुराफाती आइडिया आया था और इस भाई को मैंने, इसको बताया यार ये सीन करना है। अस्सलाम वालेकुम आदि भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, इसको मैंने बताया, फिर इसने बोला ये सीन करते हैं, पर ये सीन थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बताता हूँ सीन क्या होने वाला है। सीन ये होने वाला है कि जो हमारे साथ अवेश है ना, जो हमारे साथ जो डकैती हम मजाक करने जाते हैं, प्रैंक करने जाते हैं, वो हमारे साथ रहता है। अगर आपको नहीं पता अवेश, तो अवेश ये वाला है। और अब सीन ये है कि हमने उसी के साथ डकैती की, मतलब डकैती नहीं, उसकी बाइक चोरी करनी है। उसको शक भी नहीं होगा कि हम लोग हैं, क्योंकि हम तो उसी के साथ रहते हैं। और बाकी अब इसको कॉल वॉल लगाते हैं, और सीन आपको मैंने बता दिया अच्छा ही है, और कॉल लगाते हैं वो है किधर, क्योंकि मैं अवेश को भी हमने कॉल लगाई, तो अवेश बोल रहा है कि मैं यार नाश्ता कर रहा हूँ। अब मैंने बोला यार अवेश मेरे को ना एक जगह काम है, तो मेरे को बाइक की ज़रूरत है, मेरी बाइक ना थोड़ी ख़राब है, क्योंकि मेरी बाइक ख़राब ही रहती है, भले मेरे दोस्त जिससे भी पूछना है पूछ लो, बताओ ख़राब रहती है। अब सीन ये कि अवेश ने बोला यार टेंशन नहीं लो, बस मैं नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ते के बाद थोड़ा मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और जब तक मैंने बोला मैं भी थोड़ा ना घर से नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर सीन करते हैं ये वाला। उसका भी रिएक्शन लेना है, उसके पापा का भी रिएक्शन लेना है। मैं व्लॉग व्लॉग बना रहा था, तो फिलहाल इतने में ना मेरे कज़न लोग आ गए। ये मुजम्मिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये मुदस्सिर भाई, तशमाटू बच्चा है, पता नहीं क्यों। ये मुबशिर है, और ये आप खुद बताओ समीर भाई हैं, छोटे से हमारे। चल सीन ये कि ये भी हमारे व्लॉग में आ गए हैं, इनको बोलो यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर भी करना। तो भाई अब सीन ये कि नमाज पढ़ने हैं, नमाज पढ़ने के बाद चलते हैं। तो भाई फिलहाल सीन ये क्या बताऊँ, उसकी बाइक चोरी क्यों कर रहे हैं आपको भी पता होगा, मतलब ही हो गया, मतलब ही हो गया। सीन ये है कि हम ना यार कॉन्ग्रेचुलेशन, 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, हमारी को जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको, और जिनने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले यार, कुछ नहीं होता। आप चोरी भी लगाई थी इसने। अब सीन ये है कि वो उसको मैं बोलता हूँ यार व्लॉग बनाना है, व्लॉग के लिए है, तो वो आता भी नहीं है, और ना कहीं बाइक पे चल जाता है। अब मैं उसकी बाइक की चोरी करती हूँ, वो जाएगा किधर? बहुत बढ़िया भाई, वो रोने पे आ जाए, उसके अब्बू ने भाई नहीं, वो रोता तो नहीं है, बल्कि सीन ये है, फिर भी यार भाई उसको फोन करते हैं, वो आएगा फिर देखते हैं। तो फिर यार सीन ये है, अवेश को मैंने फोन किया, अवेश ने बोला है मैं इम्तियाज पे राशन लेने आया हूँ, मैं घर पे पहुँचाता हूँ, तो फिर बाद में आता हूँ। बल्कि इम्तियाज तो ना ये सामने ही है, शायद वो इस वाले भी आएगा, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता बाइक चोरी करने का। फुल मजा आएगा, फुल मजा आने वाला है ना। आप बस थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसका आते हैं, शायद वो इधर ही है, क्योंकि यही इम्तियाज स्टोर है ना, तो इधर ही आएगा वो। 2000 years later. अभी सीन ये कि वो अंदर जा चुका है, अब यही ऐसा ही मौका जा। सीन ये, बाइक तो मेरे पास है, बाइक खड़ी हुई है, मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ। अब फिलहाल ये जो वीडियो बना रहा था कोने में खड़े होके, ये अभी फिलहाल वीडियो मेरे को सेंड कर देगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चल रही सेंड हो रही है। सीन ये है कि अवेश अभी तक हमारे पास नहीं आया, अवेश पता नहीं घर गया है, कहाँ गया, मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने बाइक निकाली डायरेक्ट अपने घर के पास आके खड़ी करी, और ये लोग पीछे से डायरेक्ट गली में आ गए। अवेश कहाँ गया था? अवेश अपने घर की तरफ गया था, उसको पता नहीं क्या सीन चल रहा है। अभी अवेश को दोबारा फोन करते हैं, अवेश को बोलते हैं भाई अभी तक तू मेरे पास क्यों नहीं आया, कब से खड़े हैं गली में, अभी बस कॉल लगाता है। शक्ल रोने वाली हो गई कि उसको खुद नहीं पता चल रहा था क्या सीन चल रहा है, वो डायरेक्ट घर चला गया, उसने बाइक वाइक नहीं ढूंढी, उसको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ मेडिकल से बाहर निकला, अंकल से उसने पूछा, अंकल ने बोला भाई इधर कोई सीन वगैरह नहीं है, वो अब घर गया, पता नहीं कहाँ गया, पुलिस स्टेशन ना चले, नहीं नहीं पहले फोन वोन कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते। तो अभी फिलहाल सीन है, अवेश को तो हमने कॉल किया था, बल्कि अवेश का कॉल रिप्लाई मैसेज, मतलब वॉइस मैसेज आया है अवेश का, अब सुनते हैं उसका क्या मैसेज आया। हेलो यार,
यार मोहम्मद एक मसला हो गया है, क्या कहते हैं मैं तुझे बताया था ना कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ फिर तेरे पास आता हूँ। मैंने वहाँ पे दुकान के बाहर बाइक लगाई है, फिर मैं जब दोबारा आया हूँ सामान लेके तो देखा है वहाँ पे वो बाइक ही नहीं है। फिर अब मैं अपने अब्बू के सामने बैठा हूँ, अब मैं मेरे को डर लग रहा है कि कैसे बताऊँ। अभी अब पूछ रहा है बाइक का, मैंने बोल दिया अभी तो कि दोस्त लेके गया हुआ काम से, अब तू आ जाए यार साथ चलते हैं ढूंढते हैं, पहले पेंटी वेंटी में शायद किसी ने मेरे साथ मस्ती करी हो ढूंढ लेते हैं, या फिर अब्बू को बाद में बताना ही पड़ेगा क्या करें। सीन ये है कि उसने तो सीरियस समझ लिया बाइक पर चोरी हो गई है, अभी तो हम लोग उसके पास चलें उसके पास चलते हैं, उससे थोड़ा ढूंढवाते हैं उसके। अब उसने अभी तो अपने अब्बा को नहीं बताया, शुक्र है, वरना तो मैं बोला था कोई लंबी कहानी पड़ जाएगी। अभी उसके पास चलते हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है। बाइक तो मेरे पास ही खड़ी है, पहले बाइक को थोड़ा अंदर करके छुपा देता वरना वो इधर ही आए और फिर मिल जाएगी उसको। अब चलते हैं उसके पास। जी हाँ जी, अब वो तो अंदर अभी उसके घर के पास हम लोग आ गए। लगाएं लगा फर्स्ट रिएक्शन लेना। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, क्या सुना रहा हूँ, क्या सुन रहे हो? हाल बेहाल है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, तुम भी आ गए। यार बड़ा अफसोस हुआ कि बाइक सुनने में आ रही चोरी हो गई। वही मैं इसी मेरे को अभी मैंने कॉल करी, हमारे को व्लॉग बनाना था यार। मैं लेने गया हूँ, दुकान के आगे खड़ी करी है, आया हूँ बाहर आया हूँ तो बाइक ही नहीं है। नहीं घर सही बता, अभी डर लग रहा है अब घर पे ही है तो अब्बू बार बार पूछा। मैंने कहा भाई, मैंने बोला अब्दुल्ला को दी हुई है। ओ भाई मेरे को क्यों टोपियाँ डाल ले? तो फिर क्या करूँ, अभी अब्बू पूछ रहे हैं बाइक कहाँ है तो क्या करूँगा मैं। मेरा नाम क्यों लगा, तेरा अब्बा मेरे घर पे आ जाए फिर। हाँ वो बोले भाई बाइक तो यार मेरे को जाना है, वो तो यही समझेंगे कि बाइक मेरी। नहीं मैंने कहा वो अपनी मम्मी को लेके कहीं गया। अबे यार हमारे को, मैंने उसको कॉल करी यार मेरे को ब्लॉग बनाना है, बाइक की जरूरत है। इसने बोला यार मैं मार जा रहा हूँ सामान लेके आना है, फिर ये गया। उसकी फिर वाइफ मैसेज आ रही है यार बाइक नहीं है। हाँ कहाँ चले, इधर चले भाई बता दो सही कहाँ चले। मैंने अब्दुल्ला को भी बुलाया था इसलिए कि मैंने कहा इसके पास बाइक है ना तो इसी के साथ के जरा आगे पीछे देख लेते हैं, पता चले कहीं कोने बोने में लेते दोस्त ने तो कुछ नहीं किया यार। मुझे तो ज्यादातर शक यही लग रहा है। नहीं यार नहीं, अभी क्या हो गया देख हम यार बता दे, बाइक का सवाल है बाइक ना एक साथ करते हैं ये जो हम लोग प्रैंक व्रैंक करते हैं। मैं तेरे साथ क्यों करूंगा, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। थोड़ा ढूंढवा देते हैं यार इसकी बाइक, तूने मेरे नाम लगा दिया है यार तू भी सही। नहीं यार अभी तो टेंशन नहीं, अल्लाह करे मिल जाएगी बाइक, अब ढूंढवाते हैं। अभी ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, मेरे पास कोई तेरी बाइक नहीं है भाई, अब्बा को बोल दियो अपने मेरा नाम ढूंढवा लेते हैं अभी। चलो थोड़ा इलाके में घूमते हैं, बैठो बैठो भैया। फिलहाल गलियों में हम लोग बाइक बाइक ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो फिलहाल नहीं नाम और निशान नहीं है। नंबर प्लेट याद रख लेना मेरा, नंबर प्लेट तुम्हारे को याद है ना? हाँ नंबर प्लेट तो याद है। ये तो नहीं है यार, ये तो कचाड़ है यार, वो सामने वो वाली भी नहीं है। काला कपड़ा चढ़ा था भाई, काला कपड़ा चढ़ा हुआ था बस यही। देखो लाइन से जितनी भी बाइकें खड़ी है ना, थोड़ा ढूंढते हैं यार इसकी बाइक को, अल्लाह करे मिल जाएगी या कहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी यार बस मिल जाए यार। कितना टाइम हो गया चोरी हुए यार? अब तेरे को फोन करा था कि भाई 10 मिनट होंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर मैं घर आया हूँ टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने कहा अब्बू को क्या जवाब दूँ, देख ये थोड़ी छप्पड़ वाली जगह है। हाँ ये थोड़ा सुनसान इलाका है ना, देख आगे पीछे यहाँ कहीं गाड़ियों के बीच किसी ना कोई तरसी वरसी भी होते हैं, कहीं फेंक के चले आते हैं, फेंक के चले आते हैं मुझे। अबे भाई अगर कुछ सामान निकालता है वो मसला नहीं है, बाइक मिल जाए, सामान तो दोबारा लग जाएगा लेकिन बाइक बड़ी महंगी मिलेगी। रोक दो मिनट, रोक रोक यार, यहाँ पर एक जगह बनी हुई है, यहाँ पर ना किसी ने फेंक वेंक दी। नहीं यार इधर तो ना, नहीं नहीं यार इधर भी नहीं है, क्या करें अभी। मेरे को ये टेंशन हो रही है, इसने मेरा नाम ले लिया यार अब्बा का। अबे तू बस दुआ कर मिल जाएगी, टेंशन नहीं ले। अब्बा की अब्बा नहीं मिलेगी तो अबे अब कराची में रहता तो ये तो अब क्या कर सकते हैं हम। अब दो मिनट तो सबर कर, हो जाएगा मिल जाएगी। सीन ये है कि यहाँ पर हम आए हुए मेन रोड की तरफ, यहाँ पर दुआ करो क्योंकि मिल जाएगी, क्योंकि जो ये चर्सी पोल्ट्री होते हैं ना ज़्यादातर ना इधर ही कहीं लाते हैं और बैंक बैंक देते हैं, तो ये तो नहीं है कि सदर चलेगा डायरेक्ट। अब इतनी जल्दी तो बिना पहुँचेंगे भाई, कोई भरोसा भी नहीं है, अकबर रोड पे जाके गाड़ी बेच देते हैं पूरी। सीन ये है कि जब थोड़ा सा आगे जाके और ढूंढते हैं और मेन रोड पे आए हैं, दुआ करो मिल जाए यार। ये भी सीन ये इलाके से तो बहुत दूर आए हैं मैं बाइक बाइक का चेक वेक करने, बल्कि बाइक यहाँ पर भी नहीं मिली। यहाँ पर बहुत सारी बाइकें ऐसी थी जो ऐसी खड़ी हुई थी
बट वो वाली बाइकें नहीं थी। तो अब अवेज़ भी आगे गया हुआ है, अब्दुल्ला भाई भी हमारे साथ ढूंढवा रहे हैं। अब पर इनको कौन बताया कि बाइक मेरे पास है, क्योंकि ना अब ये लोग आगे गए हैं बाइक बाइक ना ढूंढने के लिए। तो फिलहाल मैं पीछे वाली साइड पे खड़ा हूँ इलाके के दूसरे साइड पे ना। तो अब वो आते हैं, तो अभी मैं बोल रहा हूँ यार ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि ना शक वक हो जाएगा फिर इनको, वरना इसके अब्बा को तो इसने अभी तक नहीं बताया, सही है ना। अब देखते हैं कि आते हैं तो इसके अब्बा के पास चलेंगे। उन्होंने ढूंढ तो लिया, पूरे इलाके में ढूंढ लिया, पुलिस तक बात नहीं जानी चाहिए, बाकी कंट्रोल में अभी तक। 2000 years later. ओ भाई बाइक वाइक मिली कहाँ? मिली और यहाँ पर ये माशाल्लाह कूलर लगाया हुआ है घर वालों ने, यार इन शुक्रिया। बहुत गर्मी है, मजाक के लिए बहुत गर्मी है। यहाँ से हम लोग ना पानी भी पी लेते हैं, तुम तो गिरा रहे भाई लोग। अभी फिलहाल का सीन ये है कि देखो ये पूरा एरिया हम लोगों ने जो है ना देख लिया, और बकाया हमारा एरिया पीछे की तरफ है वहाँ पे भी देख लिया यार। कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हो, मतलब अवेश की बाइक खड़ी हो। तो अब एक आखिरी रास्ता है कि FIR कटवाएं। बाइक मैं चलाता हूँ, अभी ये लोग भी पीछे बैठ के ढूंढेंगे यार। मत अब तो मिल नहीं रही, अब एक ही रास्ता है, जैसे भी करके अब्बू को बताना पड़ेगा। देख ले, मैं भी यही बोलूँ क्योंकि इलाकों में ढूंढ चुके हैं, इलाके से बाहर तक ढूंढ चुके हैं, नहीं मिल रही भाई, क्या करें अभी, चलें। अब अब्बू को तो बताना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी मसले वाली बात है, वरना फिर अब्बू बोलेंगे इतनी देर में बता रहे हो, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं, मैं बता देंगे। हाँ मतलब अभी हमारे को तकरीबन 2 या 3 घंटे हो गए हैं और धूप बहुत है, और ज़्यादा ख्वारी नहीं कर रहे हैं, मामला सेटलमेंट कर लेते हैं। सही है अब्दुल्ला भाई, चलो भाई। भाई हम लोग भी बाइक ढूंढने गए हुए थे, हम लोग ये नहीं थे, हम लोग अकेले गए हुए थे। जो हादी है इसको मैंने अलग से भेजा था किसी एक लड़के के साथ कि तू भी जा ढूंढ गया, मिली या नहीं मिली? अबे यार चल छीन, अभी कुछ करते हैं। ये अवेश तो घर पे गया हुआ है, और अब देखते हैं आएगा तो क्या। A few moments later. तो भी फिलहाल हम गली में पहुंच गए हैं, यहाँ पर बाइक बाइक ढूंढते हैं। भाई यहाँ पर आपकी बाइक मिली? पता नहीं तू फजूल का यहाँ पे लेके आया, रोड पे ही चल लेते हैं, रोड पे। तो भाई आपकी बाइक गली में भी तो हो सकती है ना यार, तुझे कैसे पता गली में होगी? है तो कोई ऐसे कोई आ जाता है, कोई गली में फेंक देता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर गली सुनसान है, इधर देख लेते हैं, चलो आओ देखते हैं इधर। सब परेशान हो रहे, सारे दोस्त ढूंढ रहे सुबह से इसकी बाइक। तूने मेरी बाइक देखी है? नहीं दे, बाइक चोरी हो गई ना इसलिए। कैसे हुई? अबे मैं दुकान पे गया हूँ सामान लेने, दोबारा वापस आऊँ बाइक ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखी, आंसू मिलेगा ही नहीं है। यहाँ पर तुम थे, यहाँ पर कोई देखो सुनसान इलाके। चलो यार चलो सही, दुआ करो मिल जाए बस। बस इनमें से तो कोई बाइक नहीं है तुम्हारी, वो जो खड़ी हुई है पड़ा था ना, ये भी तो खड़ी हुई है यार यहाँ पर। तो भाई फिलहाल सीन ये है कि अवेश भाई तो ये रहे, इसकी तो बुरी हालत हो गई गर्मी से, जो बाकी हमारे साथ ढूंढवा रहे हैं उनकी भी बुरी हालत हो गई है, सही है ना। गर्मी बहुत है ना यार, क्या करें। सीन ये कि आओ इस गली में चेक किया था? अरे अवेश यार ये बाइक कपड़ा उतार के देख, ये भाई तो नहीं है, नहीं नहीं क्या पता शायद धोत है, उतार उतार के देख, उतार के देख यार ये, क्योंकि ना नई लग रही है यहाँ पर गली में। अरे ये दस्ते रन वहाँ पर। अब अवेश को फुल गुस्सा आया हुआ है, मेरी बाइक का कपड़ा, अबे कपड़ा क्यों फेंक दिया? अबे अवेश भाई, अवेश अवेश को बाइक मिल गई है, वो बहुत परेशान था। चलो यार वो मैंने इसलिए दे दी ना, मजा तो बहुत आया भाई। सीन ये कि अब्दुल्ला मुझे भी पागल बनाया। अब्दुल्ला मैं तेरे को बताना चाह रहा था, बल्कि ना तू उसके साथ था इसलिए मैंने। मैं अपने इतने काम छोड़ के आया हूँ, तू अजीब पागलों वाली हरकतें करता है यार। अबे टेंशन, कम से कम मेरे को तो बता देता तू सही पागल है, तू अजीब है। अबे नहीं कर अब सॉरी भाई पागल है क्या? हजार काम छोड़ के आया हूँ मैं अपने, बाइक चोरी हो गई, मसला हो गया। नहीं हुआ मसला, मैं तेरे को बताना चाह रहा था, बल्कि तू उसके साथ था, टाइम नहीं मिल रहा था, इसको भी पता था, इसको भी पता था, वो अगला भी गुस्से में हुआ हुआ फुल। अब टेंशन नहीं ले, और शुक्र उसकी बाइक मिल गई, उसको सांस में सांस आई। टेंशन नहीं ले, कब से खार कर आ रहा है, बोल रहा टेंशन नहीं ले, खाना नहीं खाया हुआ, प्यास गर्मी इतनी है। अबे यार मैं तेरे को खाना खिलाता हूँ, क्या बात कर रहा है तू, फिलहाल तू टेंशन नहीं ले, हो गया ना काम, हो गया ना, बस मेरे को यही चाहिए था जो हो चुका है। चल ब्लॉग को एंड करते हैं।
मजा आया, अब अवेज भी लगा दूंगे। मजा आया, मजा तो तुम्हें आया ना, हमें तो पता नहीं था, हम तो पागल हुए थे टेंशन में। चलो सर कोई बात नहीं, उसको कन्विंस कर लेंगे अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को ये बता दें, फुल स्टॉप। लोग अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आप भी बोलो यार, आपको लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई इसको। उसने बड़ा गलत किया, उसके साथ भी, मेरे साथ भी, और जो जिनको नहीं पता था उनके साथ। अबे बहुत सारे बंदे हो गए थे, पहले हम दो थे, फिर चार, फिर दस, पता नहीं कितने बंदे हो गए। कुछ आगे वहाँ निकले हैं, कुछ मेरे को इतना नहीं पता था कि हम लोग इलाके से बाहर जाके ढूंढेंगे। मजा आया वैसे घूमने में, लेकिन गुस्सा भी आया। मिलते हैं आपको किसी अगले मिनी व्लॉग में। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टाटा, सी यू, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करना यार, 300 के लिए 300 हो गए हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बाय बाय।